हेलो क्लास फिफ्थ। तो बुक में जो है हम सब कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमारा बुक में क्या रह गया हम देखते हैं। बुक में हमारा जो इनकम्प्लीट है वो है ये पैरेट, कार्टून कैरेक्टर। आप लोग कर लीजिएगा घर में। पैरेट रह गया है किससे? पेंसिल कलर शेडिंग से। तो पेंसिल कलर से इस पैरेट को यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो इसमें तो आप पैरेट बनाओगे तो बहुत छोटा बनेगा, तो आप कॉपी पे उसको ट्राई करेंगे, ठीक है, स्केचबुक पे ट्राई करेंगे। तो हम आज वही ट्राई करने वाले हैं, हम करने वाले हैं पैरेट पेंसिल कलर से। ओके, तो पेंसिल कलर शेडिंग कैसे करते हैं, कैसे उसमें इफ़ेक्ट लाते हैं, वो मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि पेंसिल कलर से कैसे शेड करते हैं, वो आप लोग ट्राई कर रहे होंगे घर पे, और हमने स्टिल लाइफ भी एक बार किया था उससे, ठीक है। अब हम इसमें कलर करते हैं। तो कलर करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक पैरेट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पैरेट हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या करना है, पैरेट ड्रॉ करना है। तो पैरेट ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, पहले ज्योमेट्रिकल इमेज, एक राउंड शेप ले लिया हमने यहाँ पर, फिर हमने जोड़ दिया उसमें उसका स्टमक, देन टेल। तो देखिए कुछ बर्ड जैसा इफेक्ट दिख रहा है आपको, दिख रहा है। अब इसको हम डिटेल कर लेंगे, इस पैरेट को हम डिटेल यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको डिटेल यहाँ पर करते हैं पैरेट को। आप कोई भी पैरेट बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप यही पैरेट बनाएं, ठीक है, कैसा भी पोज ले सकते हैं, ठीक है, कैसा भी पोज आप लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से हम इसमें विंग्स अटैच करेंगे, मैं बहुत रफ स्केच बना रहा हूँ, फिर मैं इसको डिटेल करता हूँ। तो पहले मैं इसको डिटेल कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको डिटेल यहाँ पर कर लिया है, और बाकी पार्ट मैंने इरेज़ कर दिया है। कुछ पेंसिल डार्क हो रही है तो हम उसको भी इरेज़ कर दे रहे हैं। ये डार्क पेंसिल इसलिए हो रही है क्योंकि ये देखिए ये पेंसिल जो है तो एच बी, बट यहाँ पर क्या है इसमें, ये एक्स्ट्रा डार्क है, दिख रहा है आप लोगों को, एक्स्ट्रा डार्क। वो राइटिंग के लिए होती है, तो स्केचिंग के लिए है नहीं। अब मैं इसमें थोड़ा सा इरेज़ कर दे रहा हूँ उसको। तो ये हमारा पैरेट हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, अब हमको उसमें करने हैं पेंसिल कलर, ठीक। ये रहे पेंसिल कलर्स। पेंसिल कलर आप लोग कैसे करेंगे, आप कोई भी पेंसिल कलर ले सकते हैं, बस नटराज के अवॉइड करिए, डोम्स ले लीजिए, फेवर कास्टर ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं, बट डोम्स के, नटराज के अवॉइड करिए क्योंकि नटराज के कलर जो है थोड़े ठीक नहीं है। ओके, अब पैरेट सबको पता है किस कलर का होता है, हम क्या बना रहे हैं पैरेट, और पैरेट किस कलर में होता है, ग्रीन कलर में। ओके, तो जब भी हम ग्रीन कलर करते हैं पेंसिल कलर में, जब भी हमको ग्रीन कलर करना होगा कहीं पर, तो हम क्या करेंगे, उसमें एक येलो टोन लगाएंगे। ओके, तो हम इस पूरे पैरेट पे एक येलो टोन यहाँ पर लगा लेते हैं, लाइट लाइट, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, बट लाइट लाइट एक टोन हम इसमें क्या कर रहे हैं, येलो की लगा रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट पैरेट क्या होता है, ग्रीन होता है, और येलो कहाँ पर, उसमें जो अदर कलर है वो कहाँ पर होगा, उसकी जो क्या रहती है ये नोज़, उस वो उसका कलर क्या होता है आप लोगों को पता ही है, रेड। तो वो रेड जो है उसकी नोज़ है, और यहाँ पर बाकी ऑलमोस्ट जो पैरेट रहता है वो होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो मैं इसमें पूरा येलो कलर कर देना हो, क्योंकि हमको ग्रीन करना है इस पर, पूरा येलो कलर। देखिए 45 डिग्री के एंगल में हो रहा है। आप लोग कोई भी पैरेट ड्रॉ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप ऐसे ही बनाएं, कोई भी पोज ले सकते हैं किसी भी पैरेट का, ठीक है। मकाऊ मैं नहीं बनाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा अभी, अभी हम पैरेट बनाएंगे ईजीली, बहुत ईजीली। तो ये देखिए ये पूरे पैरेट पे मैंने क्या कर दिया है, ऑलमोस्ट येलो कलर कर दिया है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड अभी हम छोड़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ
जो सब्जेक्ट है पैरेट उस पर फोकस कर रहा है। अब आप लोगों ने सुना होगा पैरेट ग्रीन, ये दिख रहा है आपको ये कलर, एक पैरेट ग्रीन कलर भी बोलते हैं इसको। तो क्यों बोलते होंगे, क्योंकि पैरेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है और वो ब्राइटियर होता है। वैसे जो लैंग्वेज है, जो इसका ओरिजिनल नेम होता है वो है सैप ग्रीन, ठीक है, सैप ग्रीन बोलते हैं इसको। अब आ जाते हैं हम सैप ग्रीन की तरफ। तो हम एक येलो कलर की टोन लगा ली हमने, अब हम करेंगे इसमें एक सैप ग्रीन की टोन, लाइट लाइट। और आईज और नोज को अभी हमने क्या कर दिया है, वाइट ही रखा है, हम उस पर कोई कलर अभी नहीं कर रहे, ठीक है। ये देखिए, और अब जब ग्रीन कलर हो रहा है तो क्या हो रहा है, और ब्राइटियर दिख रहा है ग्रीन, है ना, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें येलो पहले से ही एक टोन लगा दी थी, ठीक है। तो ये देखिए, हम इसमें पूरे पे क्या कर रहे हैं, येलो लगाने के बाद ग्रीन कलर। अब ये कौन सा ग्रीन है, पैरेट ग्रीन आप लोग बोल सकते हैं या लाइट ग्रीन, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नेम है वो है सैप ग्रीन, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इस पर एक एक टोन लगा दे रहे हैं। अभी अभी हमने इसको डिटेल में करना स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, डिटेल हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं अभी। देखिए, सिर्फ एक सिंपल स्केच किया हमने, देन हमने येलो कलर, देन ग्रीन कलर। अब हम आ जाते हैं इसकी बीक पे, वो कैसी है, रेड। तो हम कुछ पार्ट वाइट छोड़ते हुए उस पर एक रेड टोन लगा दे रहे हैं, ठीक है, कुछ पार्ट वाइट छोड़ते हुए उस पर एक रेड टोन हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं, ये देखिए, ये येलो कलर। अब हम यहाँ ट्री पे भी एक टोन लगा दे रहे हैं लाइट ब्राउन कलर की, जो यहाँ पर स्टैम्प दिख रही है उस पे भी हम एक टोन लगा दे रहे हैं लाइट ब्राउन कलर की, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने ब्राउन कलर की टोन लगा दी है। सब फर्स्ट हमने क्या किया, स्केच किया। आप कोई भी पैरेट ले सकते हैं, कोई भी पैरेट स्केच कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप यही करिए, ठीक है। टेक्निक आपको बता दी गई है कि कैसे आपने स्केच करना है। जैसे सर्कल लेना है, पहले हेड बनाना है, उसके लिए सर्कल लेना है, स्टमक के लिए एक ओवल शेप लेना है, देन फिर टेल अटैच करनी है, इस तरीके से इसको करना है, ठीक है। एनाटॉमी यूज़ करते हुए बनाइए, और आप सीधे भी स्केच कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप एनाटॉमी यूज़ करिए, ठीक, ओके। अब जब ये हो जाएगा, तब हमने क्या किया, पहले येलो, देन एक लाइट ग्रीन की टोन, और इसकी बीक पे या इसकी नोज़ पे हमने क्या किया, रेड कलर की टोन, स्टैम्प पे हमने ब्राउन कलर की टोन लगा दी है, ठीक। तो ये हमारा ऑलमोस्ट क्या हो गया है, फर्स्ट जो स्टेप है इसका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी डिटेल करेंगे, यहाँ पर इसके विंग्स बनाएंगे, कुछ इसमें लाइट डार्क इफेक्ट देंगे, और ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, ओके।